मैं कार्ड का ना देख लेता हूँ, कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ आ जाए, लेकिन वो मैंने उधर लगा दिए हैं, तो अब हम इसको उधर यूज़ करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं वहीं से करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फीडबैक है इधर, ठीक है, डिफरेंट फीडबैक्स है ये हमारे पास, ठीक हो गया। ये फीडबैक्स जो है इसको इधर नहीं रखने थे मैंने, वो रखने तो इधर ही थे, लेकिन सॉरी रखने टेस्टिमोनियल में थे। इसको मैं वो टेस्टिमोनियल जैसे होते हैं ना साइड के, वैसे ही प्रैक्टिस को देना चाह रहा हूँ, ये इधर आ गए, ठीक है। तो इसको आप जो है अभी तो हम जे क्यू में नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन इस तरह का इफेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्शन, तो टॉप जाए ये, तो ठीक है जी टॉप जाए ये, इसके अंदर ये सारी एनिमेशन आ जाएगी, तो ये टॉप हो जाती है हमें नज़र आएगी चीज़, ठीक हो गया। इसकी स्पीड वगैरह वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, सिर्फ वो हमने क्या उसको कहते हैं खानापूरी की है, चीज़ें जो है ना वो समझ आई। तो इसी तरह न्यूज़ के अंदर आप लगा सकते हैं, जो न्यूज़ आ रही हो कुछ भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, ये भी होता है। दूसरा ये है कि सम टाइम कुछ साइट के ऊपर यहाँ पर इमेज़ होते हैं, फिर आगे उनकी डिटेल्स होती है, ठीक है। और एंड में होता है जनाब फुटर इधर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड जो है ना वो पेज होता है, इसके अंदर मतलब कि क्या चीज़ है, पहले हेडर है, उसके अंदर लोगो है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर मेन्यू है, फिर आपके मज़ीद जो है डाटा है वो आ जाएगा, फिर एंड में फुटर है। तो अब ये जो लोगो है इसको क्लिकेबल बनाना है, ये किसी कोई भी साइट बनाए आप उसको क्लिकेबल बनाएं, और ये इस मेन पेज के साथ अटैच होता है। तो इसका तरीका क्या है, ए एच रेफरेंस, इस पेज का नाम लिख दें जिसके साथ आपने इसको लिंक करना है, यूज़र अगर क्लिक करें तो आए ही इधर, ये आप इसको ठीक है, तो ये क्लिकेबल होगा, इसको क्लिक करेंगे ना जी, किसी भी कोई भी साइट देखते हैं उसके लोगो के ऊपर ये क्लिकेबल होते हैं सारे, तो